नमस्कार, मेरी अमेरिकी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है जॉर्जिया के अटलांटा शहर में। अटलांटा सिविल राइट मूवमेंट का केंद्र था 1960 में, जहां से मार्टिन लूथर किंग ने ये मूवमेंट शुरू किया था। इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां की कैपिटल बिल्डिंग में और इस चुनाव में जॉर्जिया पर भी निगाहें बनी रहेंगी। जॉर्जिया 2002 से हमेशा ही रिपब्लिकन्स को चूज करता रहा है, पर लास्ट कांग्रेशनल इलेक्शन में 2018 में यहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का फाइट काफी क्लोज हो गया था, इसलिए इस बार सारी निगाहें जॉर्जिया पर है। एक और बात बताना चाहूंगा कि 1992 से कोई भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जॉर्जिया नहीं जीत पाया है। राष्ट्रपति ओबामा अमेरिकी मूल के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन वो भी यहाँ से चुनाव हार गए। तो जॉर्जिया पे सबकी निगाहें रहेंगी, 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और आज मैं यहाँ पे अलग लोगों से बात करके ये पता करने की कोशिश करूंगा कि जॉर्जिया का मूल क्या है। Since about 2010, are several states that are actively looking to suppress votes in black and brown areas. You see these states closing polls, polling locations in these areas. You see them, purging voter names from the rolls and making it impossible for them to cast a vote. You also see them doing things like suppressing votes and like by sending broken machines to polling locations and extending the wait time in order for people to vote. So all of this increases the actual cost of black and brown people voting, and this works to dissuade them from actually participating. I think what's different this time is that people are prepared. They know that voter suppression is happening, and they're coming anticipating having to face hardships in voting. And this is a willpower thing for them now. They're enduring these suppressive efforts in order to cast their ballots, and I think that it'll play out in polls in November. पूरा दिन जॉर्जिया में निकालने के बाद और यहाँ अलग अलग लोगों से मिलने के बाद एक बात पता पड़ी कि 60 साल हो गए उस मूवमेंट को, पर वोटर सप्रेशन आज भी जॉर्जिया की एक हार्श रियलिटी है। जॉर्जिया में ब्लैक कम्युनिटी की पॉपुलेशन करीब करीब 30-32% है और यहाँ वाइट पॉपुलेशन 60% के करीब है, पर अगर वोटिंग देखी जाए तो आज भी सबसे बड़ा मलाल ये है कि यहाँ पे कोई भी ब्लैक पॉपुलेशन कहती है कि हमारे वोटर्स को सप्रेस किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, ये सुनने में बड़ा अलग लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे आज जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पेसी से मुलाकात करी, जो कि रेस और ब्लैक माइनॉरिटी और ब्लैक पॉलिटिक्स पे पढ़ाते हैं। तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन है। तो चुनाव के बारे में ज़रा आपको बताता हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है यहाँ पे, वो यहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है भारत के राज्यों के हिसाब से अगर ले तो उस पर सारी जिम्मेवारी होती है कि वो इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करेगा। तो ब्लैक पॉपुलेशन की एक बड़ी जो समस्या है या जो वो प्रॉब्लम बताते हैं वो ये है कि उनके वोटिंग बूथ्स कम कर दिए गए हैं। तो जॉर्जिया स्टेट में करीब करीब 75 लाख वोटर थे और केवल 2500 वोटिंग बूथ्स हैं जो 159 काउंटीज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जो वोटर सप्रेशन होता है यहाँ पे वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे वोटिंग लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आपको बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आईडीज़ को लेके। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, स्टेट आईडी होना चाहिए और उस आईडी की एक फीस रखी है, करीब करीब $30-35 की वो एक आईडी आती है। तो ये पैसा कई ब्लैक वोटर्स को पीछे कर देता है। फिर यहाँ पे कुछ और लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि अमूमन जो पोलिंग बूथ्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। तो ब्लैक कम्युनिटी गोज टू चर्चेज ऑन एवरी संडे, हर संडे वो लोग अपनी प्रेयर में जाते हैं और यूजुअली चर्च के अंदर एक पोलिंग बूथ होता है। तो यहाँ पे पिछले दो इलेक्शन से देखा जा रहा है कि वो चर्च से वोटिंग बूथ हटा दिया गया है और अलग अलग लोकेशंस पे कर दिया गया है। तो वो जो एक बड़ा तबका संडे को जाके चर्च पे वोट करता था, अब उन्हें वोटिंग के लिए अलग जगह ढूंढनी पड़ती है, तो उनकी तादाद वहाँ कम हो जाती है। प्रोफेसर पेसी ने हमें बताया कि कई बूथ पे वोटिंग मशीन्स भेज दिए जाते हैं जिससे कि लाइन और वेटिंग पीरियड लंबा हो गया। तो यहाँ अमूमन ब्लैक लोकेलिटीज में वोटिंग टाइम 6-8 घंटे एक अमूमन बात है, इतना वेट करना पड़ता है आपको अपना वोट डालने के लिए। फिर एक और है कि यहाँ पे जो लोगों ने एक साल प्रिजन में निकाला हो कोई भी क्राइम के लिए, वो थेफ्ट हो, ड्रग एब्यूज हो या कोई भी और फ्रॉड, तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आता। तो करीब करीब 20% पॉपुलेशन जो है वो वोटिंग से
ब्लैक पॉपुलेशन वोटिंग से दूर हो जाती है। तो यहाँ ये कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं टू मेक श्योर दैट दिस पॉपुलेशन डजंट टर्न अप टू वोट। और शायद ये भी एक रीज़न है कि 1992 से यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ने लीड नहीं बनाई। अगर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति भी हुए तो आखिरी राष्ट्रपति डेमोक्रेट जो यहाँ जीते थे वो बिल क्लिंटन थे। बराक ओबामा भी 2008 में जॉर्जिया से जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। पर इस इलेक्शन में क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, इस इलेक्शन में जॉर्जिया में अभी तक 30 लाख के करीब लोग वोट डाल चुके हैं और 12 अक्टूबर से यहाँ वोटिंग खुल गई थी। और जो यहाँ के जानकार लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि ब्लैक पॉपुलेशन इस बार बहुत डिटरमाइंड है कि वो अपना वोट ज़रूर डालेगी एंड दे विल बी हर्ड। सो 6 या 7 घंटे वोटिंग लाइन में खड़े होने के बावजूद भी वो वोट करने को तैयार। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि अमेरिका जैसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में भी वोटर सप्रेशन होता है और वो किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। जॉर्जिया पर निगाहें इस बार भी इसलिए रहेगी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हिलरी क्लिंटन ने पिछली बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक वोट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, उनसे ज़्यादा वोट अभी तक किसी ने नहीं दिए। तो वो एक रे ऑफ होप देता है डेमोक्रेट्स को कि थोड़ा अगर और पुश लगेगा और जिस तरह से वोटर टर्नआउट आ रहा है तो शायद जॉर्जिया जो कि 2002 से एक रेड स्टेट है वो इस बार स्विंग कर जाए। बढ़त में यहाँ पे अभी भी जो बाइडेन को बढ़त है, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग है। तो देखना होगा कि क्या जो ये ब्लैक टर्न अराउंड है ये जॉर्जिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलता है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।